नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी टेक अकेडमी में। आज हम आपको हिंदी शब्दार्थ कराएंगे, हिंदी के कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ और उन शब्दों को किस तरह से वाक्य में प्रयोग करने वो भी आप सीखेंगे। और अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई डाउट है तो आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आज जो है वो है भाग 5, 4 भाग हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। तो आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे संख्या 131। 130 हो चुके हैं जो 4 भाग हुए थे उसमें। और आज का पहला शब्द है बखेड़ा। बखेड़ा का अर्थ होता है झगड़ा, कलह, विवाद, लड़ाई, लफड़ा, लड़ाई झगड़ा, फसाद, खुराफात, झंझट, झगड़ा टंटा, और चकलस, फितूर, फितूर, भिड़ंत, टंटा, खट राग। इसके बाद है झड़प, अड़प चड़प, लोचा या रार। और इसे आप और अच्छे से समझ पाएंगे ऐसे किसी बात पर होने वाली कहासुनी या विवाद। जब कोई ऐसी बात हो जाए जिससे झगड़ा हो जाए, तो उस पे विवाद हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं झड़प, अड़प झड़प, लोचा, रार, झगड़ा। और ये जो हमने अभी सब पढ़े, बहुत से लोगों द्वारा की जाने वाली तोड़फोड़ या मारपीट आदि, जिसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि बखेड़ा खड़ा हो गया इसे। और इसके वाक्य इस तरह से हैं, वह झगड़े का कारण जानना चाहता है, मैं कहाँ इस झंझट में पड़ गई। देखो यहाँ पर झंझट यूज किया गया, झगड़ा यूज किया गया। छात्रों के उपद्रव से परेशान होकर प्रधानाचार्य ने अनिश्चितकाल के लिए विद्यालय को बंद कर दिया, कि छात्र जो थे स्टूडेंट्स थे उन्होंने झगड़ा किया, बवाल कर दिया, बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिससे परेशान होकर जो प्रिंसिपल थे उन्होंने अनिश्चितकाल के लिए यानी इनफिनिट टाइम के लिए स्कूल को बंद कर दिया है। आप लोग व्यर्थ का बवाल खड़ा मत कीजिए, तो यहाँ पे बवाल यूज किया गया कि झगड़ा, जैसे चारों तरफ अंधेर मचा है। और इस तरह से आप ये वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है बथान। इसका अर्थ होता है गौशाला, 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 गौरी, गौवरी, गोट, गोकुल या संदिनी। बथान का है अर्थ गायों के रहने का स्थान, जहां पर गाय रहती है ना, गाय माता, तो उनके रहने का स्थान जिसे गौशाला भी बोलते हैं। इस गौशाला में लगभग 100 गायें। नेक्स्ट है बाबुल। बाबुल का अर्थ होता है पिता यानी फादर, बाप, जनक, अब्बा भी बोलते हैं बाबुल, है जन्मदाता, वालिद, तात। और इसके बाद है किबलगा, किबलगा, किबलागाही, किबला, निष्कत। और जन्म देने वाला पुरुष यानी बाबुल यानी फादर। और जैसे मेरे फादर जो हैं वो एक अध्यापक हैं, तो हम ऐसे यूज करेंगे, मेरे पिता एक अध्यापक हैं, तो पिता यानी बाबुल। नेक्स्ट है बहुल्य। इसका मीनिंग होता है, बहुल्य का मीनिंग है अधिकता, बहुत सारा, बहुलता, अधिकाएं, भरमार, बहुतायत, बढ़ती, ज्यादती, ज्यादती, अति, बाढ़, अतिरेक, अगाता, अत्यंतता, अत्यंतता, अधिकाई, शिद्दत, अधिशेष, प्राकर्ष, आपचू, आपचू, अमिति, अमिता, अमितता, पटलता, अहिलव, इफ़रात, इफ़रात, विभूति, सरप्लस और सरप्लस। अधिक होने की अवस्था या भाव, अगर आपके पास जैसे बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं तो ऐसी सिचुएशन है उसका भाव, जैसे कुछ लोग जो होते हैं पैसा आने पर मुँह घमंडी हो जाते हैं, पैसा यानी धन, तो धन की अधिकता, तो अधिकता ने यूज किया, और बहुल्य यानी अधिकता, यानी धन की अधिकता
से वह घमंडी हो गया, यानी उसके पास बहुत पैसा आ गया तो इसलिए वो बहुत घमंडी हो गया। नेक्स्ट है बालपन। बालपन का मतलब होता है, अर्थ होता है बचपन, बाल्यावस्था, लड़कपन, बालपन, बालकपन, बालकता, बालकता या छुटपन। और इसका आप और अच्छे से समझ पाएंगे, शैशव और किशोर होने के बीच की अवस्था, यानी टीनेज और पहले की बीच की जो अवस्था होती है, यानी बचपन जो होते हैं। तो राकेश बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज है, तो यहाँ है बचपन बालपन। शाम का बाल्यकाल अपने ननिहाल में बीता। शाम जो थे वो बड़े हो गए मान लो, और उनका जो बचपन था, जो बाल्यकाल था, वो अपने ननिहाल में बीता था। नेक्स्ट है बारहमासी। बारहमासी मतलब कि जो 12 महीने सदाबहार रहे, सदाबहार, सदाबहार, सब ऋतुओं में फलने या फूलने वाला। जैसे वनस्पतियों की कई बारहमासी प्रजातियां उपलब्ध हैं, ऐसी भी प्रजातियां हैं जो 12 माह पूरे 12 के 12 महीने सदाबहार रहती हैं। ऐसी भी वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं। आजकल बाजारों में कई बारहमासी फल उपलब्ध हैं। आप मार्केट जाएंगे तो आपको कई ऐसे फल मिलेंगे जो 12 महीने आते हैं। और सदा प्रवाहित होने वाली या कभी ना सूखने वाली नदी भी बोलते हैं बारहमासी को, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज आदि। ये सब नदियां जो है वो सतत प्रवाहिनी हैं, यानी बारहमासी हैं। नेक्स्ट है बाध्य। बाध्य का अर्थ होता है विवश, बेबस, मजबूर, लाचार, जिच, जिच, अवश, अबस, दरमादा या जहाज कौवा। जो ऐसी अवस्था में हो कि इच्छा होने पर भी वह कुछ ना कर सके। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो बाध्य हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। तो विवश मनुष्य चुनौतियों के आगे झुक जाता है। और इसके बाद है बागबान। इसका अर्थ होता है माली, बागबान, आर्मिक, आरामिक। उसके बाद है बाग के पौधे आदि सींचने और उनकी रक्षा आदि करने वाला व्यक्ति, यानी माली जो होता है ना, माली उपवन में नए नए पौधे लगा रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट है बांझ। इसका अर्थ होता है भाते, बंचवट, वंध्या, निपुति, अप्रजा, अप्रस्ता, वह स्त्री जिसे संतान होती ही ना हो, उसे बोलते हैं बांझ। स्त्री या मादा पशु भी हो सकता है जिसे संतान होती ही ना हो। और आप इसके वाक्य देखें, चिकित्सक ने बांझ का अच्छी तरह से परीक्षण किया। बांझ महिला ने अनाथालय से एक बच्चे को गोद ले लिया। नेक्स्ट है इससे से रिलेटेड है बांझपन, बांझपन, बांझपना। और बांझ होने की अवस्था, बांझपन के कारण शीला माँ नहीं बन सकती। और अब तो IVF टेक्नोलॉजी है तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है बांधव। इसका अर्थ होता है, बांधव का अर्थ है रिश्तेदार, बोलते हैं हमारे रिलेटिव्स, नातेदार, संबंधी, जिनसे हमारा संबंध हो, स्वजन, भाई बंधु हो गए हमारे, और भाई बंध, भाई बंध, और भाई बंध, और बांधव, बांधव, नतेत, अजीज भी बोलते हैं, अनुबंधी है, अनुबंधी, शरीक भी बोलते हैं, मित्र, दोस्त, साथी, सखी, सखा, यार, और सहचर, संगति, संगतिया, बंधु और मित्र। तो ये है हमारे, इनको बोला जाता है, इन सब के लिए है बांधव। बांधव यानी हमारे वे व्यक्ति जिससे कोई रिश्ता हो। मेरे एक रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। रिश्तेदार यानी बांधव। सच्चे मित्र की परीक्षा भक्ति काल में होती है। जो सच्चे मित्र होते हैं उनकी जो परीक्षा है वो मुसीबत आने पर ही पता चलता है कि वो सच्चा मित्र है या नहीं है। नेक्स्ट है बकायदा। इसका है तरीके से, तरीके से, तरतीब से, करीने से या व्यवस्था पूर्वक, व्यवस्थित और करीनेवर, करीनेवर यानी व्यवस्थित ढंग से, विधि पूर्वक और विधिवत, विधिवत कायदे से, ढंग से और नियमानुसार या यथा नियम या बा जबता और विधि या नियम के अनुसार। कोई भी काम अगर आप करें विधि या नियम के अनुसार करें, वो काम आपका सफल होगा। और कोई भी काम तरीके से करना चाहिए, तरीके से। और तरीके से मैंने बताया बायका दा, बकायदा, बकायदा काम नियम से करेंगे तो विधिवत तरीके से करेंगे, कायदे से करेंगे, ढंग से करेंगे तो काम सफल होगा। यह काम विधि पूर्वक होना चाहिए।
इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। और आज हमने कुछ और आगे शब्द करें, 142 संख्या 142 तक हमने कर लिया। ऐसे हम आपको और भी कराएंगे, 3000 से भी ज़्यादा शब्द हम अपलोड करेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये सीरीज़ मैं पूरी कर सकूँ, मोटिवेशन मिलेगा। और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश की वोकैबुलरी भी हम अपलोड कर रहे हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड हैव अ नाइस डे।